ये देखिए मम्मी की कल से तबीयत कितनी ख़राब है, इनको लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, फीवर सब इकट्ठे। ऐसा क्या किया जो इतनी बीमार पड़ गई? और भी डॉक्टर चेक करके गए हैं तो फिर से इनको वही होने लग गया है, तो उन्हें एक दिन और शायद रखेंगे। अभी इनको कर रहे हैं प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट, क्योंकि कल खाली नहीं था, खाली नहीं था, तो हमें यहाँ इस 4 बेड वाले शेयरिंग रूम में रखा था, लेकिन आज खाली हो रहा है तो हमें शिफ्ट करेंगे। अरे बड़ी दिक्कत एकदम से आ जाती है। अभी अंजलि लाई है सुबह चाय लेके हमारे लिए, लाई है ना? नहीं। लाई है, और ये बीज भी लेके आई है खाने के लिए। चलिए टाइम पास करूँगी मैं यहाँ पे। आप मेरी हालत देख रहे हैं कितनी गंदी हो रही है। कल जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के भागे वहाँ से, क्योंकि मम्मी की हालत इतनी ख़राब थी कि वॉमिट कर रही थी और लैट्रिन निकल रही थी कपड़ों में, और लैट्रिन जा रही थी तो उल्टी निकल रही थी। तो मैं उसे कह रही चलो चलो चलो, तो वो कह रही है मैं हॉस्पिटल तक भी कैसे पहुँचूँगी, क्योंकि कुछ नहीं रुक रहा था, ना वॉमिट ना उल्टी। फिर क्या जैसे मैंने कहा हिम्मत करके वहीं बैठो, वहीं बैठी तो मैंने मम्मी से कहा कैसे भी मत करके चल लो वहाँ तक हॉस्पिटल तक, क्योंकि घर में रह के तो कोई फायदा नहीं था। फिर अमित भैया को मैंने सुबह मामा के यहाँ छोड़ा, तो वहाँ पे फिर इनको वॉमिट आने लग गई थी, फिर वॉमिट गई, लूज मोशन लैट्रिन गई, और फिर वहाँ से फिर यहाँ तक पहुँची। जब से एडमिट हुई है ट्रिप चढ़ रही है, मोशन नहीं आया है और वॉमिट भी नहीं आई है, लेकिन अभी वॉमिट फिर से इनको लूज मोशन होने लग गए। इस और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सारी दवाइयाँ हम एकदम से जल्दी नहीं दे सकते ना, क्योंकि फिर एकदम से अगर पेट टाइट हो गया तब भी मुश्किल है। उन्होंने कहा अभी धीरे 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 करके मोशन रोकेंगे, अभी हो रहा है तो आज होने दो, पेट क्लियर होगा। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के लिए मूंग की दाल लिया हूँ घर जाके। देखो मैं भी नहाया हूँ, देखो कैसे सड़ी सी हो रही है, हॉस्पिटल में नींद भी नहीं आई। ये वाला बैड नई वीडियो आ गई ये ब्लड सैंपल लेने आए हैं, देखो दूसरी बार। गाइस वो का रिएक्शन देखना, देखो गाइस अभी मैं जा रही हूँ घर नहाने के लिए, और मम्मी के लिए कुछ फ्रूट्स भी ले लिए हैं, और टॉवल वगैरह भुलाई थी पेस्ट वो भी ले लूँगी, और थोड़ा नहा के मुझे भी अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है मैं ही पेशेंट बन गई हूँ जैसे। चलो पहुँचते हैं घर। तो मैं नहा ली हूँ और अब जा रही हूँ हॉस्पिटल। मम्मी के कपड़े भी रख लिए मैंने और सेब वगैरह खरीद लिया है। अब हमें 3rd फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया है 306 में। ये है हमारा रूम। हमें प्राइवेट रूम मिल गया विद एसी। कल तो सारे रूम बुक थे यहाँ पे सारे। कितना है? 117 अपॉन 70 सही है। अभी बड़ी फनी बात हुई कि मामी लेट गई थी, तो मम्मी खाना खा रही कुर्सी बैठ के, मामी लेट गई। आंटी ना मामी को इंजेक्शन लगा जाती, कह रही पेशेंट इधर मुकर के लेटो। मामी का सारा वो भी पेशेंट बनने का शौक पूरा हो जाता। मामी हमारा लंच ले आई है, बसीड़े चावल रोटी सलाद
मम्मी के लिए मूंग की दाल और रोटी। और देखो न्यू पेशेंट, पेशेंट की जगह पे कह रही है हम भी थोड़ा मजे ले लें। बस एक इंजेक्शन और लग जाता कि वहाँ से आ जाए। तो एंजेल आप उस पालने में लेटना चाहेंगी? बचपन में तो लेटी नहीं थी, अब लेट जाओ, फ्रीज आएगा नहीं तो। वो पेशेंट के साथ पेशेंट के अटेंडेंट भी मज़े ले रहे हैं। हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए। ये तो हमने सही करा कि हम तुरंत भाग आए, हमने इसको नेगलेक्ट नहीं करा। गर्मियों के दिनों में दोस्तों आप लोग भी अगर आपको ये कंडीशन हो डायरिया होने का तो बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, तुरंत हॉस्पिटल जाइएगा। तो हमने कंट्रोल कर लिया, नहीं तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कितनी जिद करके मैंने लेके आई हूँ मुझे पता है, ये नहीं आ रही थी। ये देखो कैसे खेलने आई है, मम्मी को देखो उठा के बैठा दिया इनने, तो घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, कह रही मम्मी को सीधा कर दूंगी। अब बज गए शाम के 6 और मैं चाय ले आई हूँ। चल गई आपकी चाय पियो। हमारे ब्लॉग में चाय वाला पार्ट ना हो ऐसा हो सकता है? कुल्हड़ वाली चाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है तीसरा दिन और मैं ले आई हूँ नाश्ता मम्मी के लिए, क्योंकि मेडिसिन खानी है। मामा चले गए ड्यूटी, घर पे कोई था नहीं तो मैं खुद जाके ले आई और मैं नहा भी आई। मम्मी की चाय, ब्रेकफास्ट ले आए मम्मी के लिए, बर्तन धो के ले आई। और बुलाओ बुलाओ, ये रहा ब्रेकफास्ट। मम्मी बोर हो रही हो? तीन दिन हो गया, तीसरा दिन है हमें बोर हुए पड़े। मम्मी को खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब देखो डाइट पे है। सिर्फ मूंग की दाल। ये क्या कर रही हो? इनका लिक्विड पीपी के पेट नहीं भर रहा है तो अब इनका अब ये गुस्सा होने लग गई। अब कह रही मैं रोटी सब्जी खाऊंगी। चलिए मम्मी डिस्चार्ज हो रही हैं।